हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की लास्ट अध्याय की लास्ट टॉपिक। आज की टॉपिक रहने वाली है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अर्थात विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को जानने से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आज हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं या हम खुद बता देना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जैसे आपके पास बहुत सारी किताबें हों, 6 की 7 की 8 की 9 की। आप एक दुकानदार हैं मान लीजिए, तो आप क्या चाहेंगे कि 6 की हिंदी किताबें अलग, 7 की हिंदी किताबें एक क्रम में, 8 की हिंदी किताबें एक क्रम में, ऐसे रखना चाहेंगे कि 6 7 8 9 10 11 12 एकदम उसी मिला के रखेंगे। ऐसा तो होता नहीं, ऐसे रखोगे तो आपको बेचने में, आपको निकालने में, आपको तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी। और अगर हम 6 का अलग कर दें 7 का अलग कर दें या ऐसे भी कर सकते हैं, जो मोटी किताब है उसको पहले, फिर उसके बाद फिर कम पतली, फिर कम पतली, इस प्रकार से रखते हैं ना अपने सुविधा अनुसार। तो भैया सुविधा अनुसार किसी भी वस्तु को क्रम में रखना, किसी भी वस्तु को श्रृंखला में रखना स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या ये बात आपको यहां भेजे तक गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रम होता है किसी भी चीज को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आखिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? वो होता है प्यारे बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर, विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित रखना ही, व्यवस्थित करना ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। और यह किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था प्यारे बच्चों? न्यूटन ने। न्यूटन बहुत सारी चीजें बताए हैं, अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे, परंतु हमारा यहां सबसे पहला चीज है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वो डेफिनेशन क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य के अनुसार, विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य के अनुसार क्रम रूपी व्यवस्थित करना ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। प्यारे बच्चों यही चीज लिखा गया है, तरंग दैर्घ्यों के परास के आधार पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यवस्थित क्रम ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब न्यूटन ने बताया क्या कि जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं, उनके एक प्रकाश किरण में, सूर्य की प्रकाश किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं जो कि हमको दिखाई पड़ते हैं। 7 रंगों के को छोड़कर ऐसे कुछ और रंग होते हैं प्यारे बच्चों जिनको हम देख नहीं पाते, उन रंगों को भी न्यूटन ने बताया, उन सभी की चर्चा यहां पर की गई है प्यारे बच्चों। तो जो 7 रंग न्यूटन ने देख पा रहे थे, उन्हीं 7 रंगों को हम लोग भी देख पा रहे हैं। वो 7 रंग किस स्पेक्ट्रम में आता है प्यारे बच्चों? दृश्य स्पेक्ट्रम में आता है। दृश्य स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? सूर्य की उन किरणों की समूह जो किरणें हमारी नंगी आंखों से देखा जा सके, उन्हें हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और दृश्य स्पेक्ट्रम में जो क्रम होता है वो लाल रंग ऊपर होता है, बैगनी रंग नीचे होता है, यानी लाल रंग और बैगनी रंग के बीच में 5 कलर आपके रखे होते हैं। वो 5ों कलर प्यारे बच्चों आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पे डाला जाता है तो 7 रंगों में बैठ जाता है ना, बैजनी या पिनाला या बिबग्योर करके आपने याद किया होगा। तो वही सारे 7ों रंगों को हम दृश्य स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं प्यारे बच्चों। क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही होंगी? तो वही चीज दूसरी लाइन में लिखा गया है कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग, बैगनी रंग, लाल रंग से, यहां से होना चाहिए था, तो लाल रंग से बैगनी रंग तक विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इस स्पेक्ट्रम को, इस श्रृंखला को, इस समूह को, इस क्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। यानी आपको दृश्य स्पेक्ट्रम पूछा कि दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो वे सभी सूर्य की प्रकाश किरणों के समूह जो हमको अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। चलिए अब हम अगली चर्चा करते हैं। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है प्यारे बच्चों, उसमें जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होती है और उसकी वैल्यू होती है 8×10⁻⁷ मीटर होता है। क्या हमने बताया कि जो
दृश्य स्पेक्ट्रम में जो सात रंग आती हैं उनमें से सबसे ज्यादा की तरंग दैर्ध्य या सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, जब वैल्यू होती है 8×10⁻⁷ मीटर। यदि आप प्यारे बच्चों भूल जाइएगा तो याद रखिएगा कि सात रंग दृश्य स्पेक्ट्रम में आते हैं, सात में एक जोड़ दिया जाए 8×10⁻⁷, तो जितने रंग है उसी का पावर माइनस में है, इतना तो दिमाग में रख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो चलिए अब उसके बाद जो बैगनी होता है, जो बैगनी होता है ना उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे छोटी होती है और इसका आधा होता है प्यारे बच्चों, 8×8 होता है 4, यानी 4×10⁻⁷ −7 मीटर होता है। यही लिखा गया दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे बड़ी होती है, इसका मान 8×10⁻⁷ मीटर होता है। फिर उसके बाद जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 4×10⁻⁷ मीटर होती है। फिर आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, न्यूटन ने यह भी बताया कि लाल रंग के ऊपर भी कुछ स्पेक्ट्रम होता है। आप लोग जो यहां से लाल और बैगनी के बीच में जो पढ़े, लाल और बैगनी के बीच में आपने जो स्पेक्ट्रम पढ़ा वो सब स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाए। और उसके बाद न्यूटन ने और बताया भैया कि इनके ऊपर भी कुछ स्पेक्ट्रम आते हैं, इनके ऊपर भी कुछ रंग आते हैं और इनके नीचे भी कुछ रंग आते हैं। तो लाल रंग से ऊपर और बैगनी रंग से नीचे के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। अर्थात लाल रंग से ऊपर जो रंग होते हैं और बैगनी रंग से जो नीचे रंगों का समूह होता है वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं प्यारे बच्चों, और इस स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही लिखा गया लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर उसके बाद बात आया कि जो लाल रंग से ऊपर वाले स्पेक्ट्रम होते हैं उसका अलग नाम दिया गया, तो लाल रंग से ऊपर वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं, और अवरक्त स्पेक्ट्रम भी आपका अदृश्य स्पेक्ट्रम में ही आता है। तो भैया लाल रंग से ऊपर वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम तथा बैगनी रंग से नीचे वाले भाग को पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी जो बैगनी रंग से नीचे होंगे उन्हें हम पराबैगनी स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं प्यारे बच्चों। फिर कुछ समय बाद कुछ और तरंगों की खोज की गई जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम दिया गया। वो तरंगे थी रेडियो तरंगे, गामा किरणे और एक्स किरणे। क्या हमने कहा, कुछ समय बाद में भी कुछ तरंगों की खोज की गई जिन्हें हमने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे, और वो कौन थी, रेडियो तरंगे थी, एक्स किरणें थी और गामा किरणें थी प्यारे बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे इन किरणों के गुण, इन तरंगों का गुण और इन तरंगों का उपयोग कहां करते हैं प्यारे बच्चों। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, जैसा कि पिछले अभी हमने कुछ मिनट पहले ही बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। बाद में कुछ किरणों की खोज हुई जैसे रेडियो तरंगे, उसके बाद एक्स किरणें, गामा किरणें थी, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती है। अब आइए हम उनको डिटेल से समझते हैं कि रेडियो तरंगे क्या होती है, रेडियो तरंगे क्या होती है, जो कि यहां पर सब कुछ लिखा गया है प्यारे बच्चों, थ्योरी क्लासेस है इसलिए लिख दिए गए हैं कि रेडियो तरंगे क्या होती है। तो सबसे पहली लाइन रेडियो तरंगों के बारे में लिखा गया है कि इसका जो उत्सर्जन होता है वो आवेशित कणों के दोलनों के कारण होता है। मतलब ऐसे ये आवेशित कण हो गया, अगर ये दोलन करे, आवेशित कण क्या करे प्यारे बच्चों, दोलन करे, तो आवेशित कणों के दोलनों के कारण रेडियो तरंगों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और इनकी जो आवृत्ति है वो 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया कि इसका जो उत्सर्जन होता है वो आवेशित कणों के दोलनों के कारण होता है। भैया ये उत्पन्न कैसे होती है, ये कहां से मिलती है, जब कोई आवेशित कण दोलन करेगा तो दोलन के कारण वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, रेडियो तरंगे उत्पन्न हो जाती है। और जो इनकी आवृत्ति होती है वो 500 किलोहर्ट्ज से
1000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। अब इनका हम उपयोग पढ़ते हैं, तो जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका उपयोग जो है पृथ्वी की सतह पर संचरण के लिए होता है। रेडियो तरंगों का जो उपयोग होता है काफी जगह उपयोग किया जाता है, कुछ उपयोग यहां पर दिए गए हैं, कुछ उपयोग आपको दिखाया जा रहे हैं। तो जो रेडियो तरंगों का उपयोग होता है वो पृथ्वी पर संचरण के लिए किया जाता है, पृथ्वी पर चलने के लिए किया जाता है। ठीक, अब अगला है, अब टीवी में भी रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, टीवी में भी, टेलीविजन में, आजकल की जो टेलीविजन है उनमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो कि 50 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक तरंग का उपयोग करते हैं। टीवी में 50 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक उपयोग करते हैं, और यह है कहां तक, 1000 मेगाहर्ट्ज तक, है ना। तो इन्हीं तरंगों का उपयोग टीवीओ में भी करते हैं। आगे, और अति उच्च आवृत्ति तरंगों का मतलब जो रेडियो तरंगे होती हैं उनमें जो उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं, जो अधिक आवृत्ति रखती हैं, उन आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग हम सेल्यूलर फोन में किया जाता है, सेल्यूलर फोन में किया जाता है। अब आप, तो जो इनका अगला उपयोग है वो क्या करा, अति उच्च आवृत्ति तरंगों का उपयोग, मतलब जो ज्यादा आवृत्ति वाली तरंगे रहती हैं उन तरंगों का जो उपयोग है वो हम सेल्यूलर फोन में करते हैं। अब कहेंगे आप सेल्यूलर फोन क्या होता है, तो सेल्यूलर फोन ऐसा फोन होता है, ये एक इस प्रकार का फोन होता है जो कि रेडियो तरंगों पर, जो रेडियो तकनीक पर आधारित होता है, जिस प्रकार रेडियो आप चलती है उसी तकनीक पर सेल्यूलर फोन भी चलता है। सेल्यूलर फोन क्या करता है, रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता है, रेडियो तरंगों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो ये रही रेडियो तरंगों के बारे में डिटेल। अब हम बात करेंगे पराबैंगनी किरणें की, किसकी बात करेंगे, पराबैंगनी किरणें की। तो भैया इन किरणों का जो उत्सर्जन होता है वो अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है, मतलब जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो उत्सर्जन कैसे होती है, वो उत्सर्जित कहां से होती है, जब कोई वस्तु सूर्य के बराबर, जितना गर्मी सूर्य हो या जितना गर्म सूर्य होता है उतनी गर्म, उतनी ज्यादा गर्म हो जाए वो वस्तु, तो उस वस्तु से पराबैंगनी किरणें निकलने लगती हैं। यही चीज करा, इन किरणों का उत्सर्जन अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है। अब इन किरणों का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक कौन माना जाता है, सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तप्त वस्तु होता है, एक आग का धधकता गोला है, तो भैया उससे भी पराबैंगनी किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब जो पराबैंगनी किरणें होती है उनकी जो आवृत्ति होती है वो 10^14 हर्ट्ज से 10^17 हर्ट्ज तक होता है। कितना होता है, मैंने बताया कि भैया पराबैंगनी किरणों की जो आवृत्ति होती है, पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति की जो रेशियो परास होता है, रेंज होता है, वो 10^14 हर्ट्ज से 10^17 हर्ट्ज तक होता है। अब इनका उपयोग कहां होता है भैया, चोरों से सुरक्षा में, चोरों से सुरक्षा में। अब पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहां किया जाता है, चोरों से सुरक्षा में। ऐसा नहीं कि ये आएगा आप लोगों का बॉडीगार्ड बन के आपका सेवा करेगा, ऐसा नहीं है। किस रूप में करते हैं, अलार्म के रूप में। किस रूप में करते हैं भैया, अलार्म के रूप में। चोरों से सुरक्षा करेगा परंत किस रूप में, अलार्म के रूप में। जैसे ही चोर चोरी करने का प्रयास करेगा किसी वस्तु को, तो ये पराबैंगनी किरणें वहां पर रहती हैं जो कि अलार्म के रूप में ध्वनि करने लगती है, अलार्म के रूप में एक तरंगे निकलने लगती है जिससे आपको पता चल सकता है कि कोई उस वस्तु को या उस सामान को चुराने का प्रयास कर रहा। फिर अगला क्या, अणुओं की संरचना ज्ञात करने में, अणुओं की संरचना ज्ञात करने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं, साथ साथ जीवाणुओं को नष्ट करने में, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में हम पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। भैया एक बार फिर से, इन किरणों का उत्सर्जन कहां से होता है, अधिक तप्त वस्तुओं से होता है, या एक विशेष प्रकार का लैंप भी हम कह सकते हैं, एक विशेष प्रकार का लैंप होता है जिससे जो है पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है, या हम कहें भैया अधिक तप्त वस्तुओं से होता है, अधिक तत्व वस्तुओं से होता है। और इन किरणों का जो उत्सर्जक होता है वो सूर्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सूर्य से भी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं परंतु वो ओजोन परत उनको अवशोषित कर लेता है, कुछ ही किरणें धरती पर आ पाती हैं। फिर उसके बाद इनकी जो आवृत्ति का परास होता है, पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति की जो परास होती है वो 10^14 हर्ट्ज से 10^17 हर्ट्ज तक होता है। इनका उपयोग कहां करते हैं, चोरों की सुरक्षा में, चोरों की सुरक्षा में नहीं, चोरों से सुरक्षा में, चोरों के चोरी से सुरक्षा में, अलार्म के रूप में करते हैं, फिर अणुओं की संरचना ज्ञात करने में, फिर जीवाणुओं को नष्ट करने में। अब हम चलते हैं अगली किरणों की तरफ, एक्स किरणों की तरफ।
तो यहां पर है देखिए एक्स किरण, एक्स किरण क्या होती भैया, इनकी खोज रांटजन ने किया था, रांटजन ने किया था, कहां के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के, कहां के वैज्ञानिक थे भैया, जर्मनी के, कहां के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ध्यान से देखिएगा, जर्मनी के वैज्ञानिक रांटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज किसने की थी भैया, रांटजन ने की थी, कहां के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अब इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 4×10^16 हर्ट्ज, 4×10^16 हर्ट्ज से 3×10^21 हर्ट्ज तक होता है, यानी जो इनकी आवृत्ति का रेंज है, इनकी आवृत्ति की रेंज कहां से कहां तक है, 4×10^16 हर्ट्ज से 3×10^21 हर्ट्ज तक होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल। चलिए अब इनका उपयोग हम कहां करते हैं, इनका उपयोग पहला सबसे ज्यादा इनका उपयोग चिकित्सक क्षेत्रों में किया जाता है। अब आप कहेंगे सर हम तो जानते ही नहीं चिकित्सक क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाता है, भाई चिकित्सक क्षेत्र में जैसे किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है, किसी व्यक्ति के कुछ भी शरीर में ऐसे जगह कमी आ जाए तो जो हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती, तो एक्स किरणों की मदद से ही उनको पता लगाया जाता है कि कहां पर क्या गलत है या कहां पर क्या क्रैक है, तो हड्डियों हड्डियां टूट जाती है तो उनको पता लगाने में, ठीक है भैया। तो कहां चिकित्सक क्षेत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का, साथ साथ में अभियंत्रिक क्षेत्र में, किसके क्षेत्रों में भैया, अभियंत्रिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, इसी एक्स किरणों का उपयोग जो है अभियंत्रिक क्षेत्रों में किया जाता है। अगला हम करते हैं एक्स किरणों का जो उपयोग होता है वो विस्फोटक पदार्थ को पता लगाने में, जैसे आप लोग मेट्रो स्टेशन चले गए, कहीं ऐसे भीड़भाड़ स्थान पर चले जाते हैं तो वहां एक्स किरणों की मदद से ही पता लगाया जाता है कि किसके पास कौन सी धातु है या किसके पास क्या कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, तो उन सब का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का ही उपयोग हम करते हैं। एक इनको एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक्स किरण की खोज किसने किया था, रांटजन ने किया था, कहां के थे भैया, फ्रांस, कहां के थे, जर्मनी के थे, कहां के थे, जर्मनी के थे। उसके बाद इन तरंगों की आवृत्ति का रेंज कितना होता है, 4×10^16 से 3×10^21 हर्ट्ज के मध्य होता है। फिर उसके बाद इनकी खोज इनका उपयोग कहां होता है, इनका उपयोग चिकित्सक क्षेत्रों में होता है, हड्डियों को क्रैक होने या हड्डियों को टूटने फूटने से पता लगाने के लिए। फिर उसके बाद इनकी उपयोग अभियंत्रिक क्षेत्र में होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा अभियंत्रिक क्षेत्र क्या होता है, अभियंत्रिक क्षेत्र होता है मतलब हम कह लें कि जैसे मकान हो गए, पुलों के दरार हो गए, तो पुलों के दरारों का पता लगाने के लिए, मकान बिल्डिंग सारी कहां टूटी है या कहां क्रैक है, उन सब का पता लगाने के लिए जो है हम लोग एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। फिर विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में, जैसे मेट्रो में आप गए, कहीं चले गए भीड़ भाड़ स्थान पे जहां काफी भीड़ होती है, तो वहां पर आप कौन सी धातु लेके जा रहे हैं या कौन सा मेटल लिए हैं अपने जेब के अंदर, अपने बैग के अंदर, तो उन सब का पता हम लोग एक्स किरणों की मदद से करते हैं। फिर उसके बाद हम अगली लास्ट गामा किरण, भाई गामा किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड, ये देख सकते हैं यहां लिखा गया, किसने किया है भैया, रदरफोर्ड ने किया था। और इनकी जो आवृत्ति होती है 3×10^8 से 5×10^22 हर्ट्ज के मध्य होती है, अर्थात इनसे ज्यादा होती है, एक्स किरणों से इसकी आवृत्ति अधिक होती है, 3×10^8 हर्ट्ज से 5×10^22 हर्ट्ज तक के होती है। आगे क्या करा, अब इनका जो उपयोग होता है हम नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न कराने में करते हैं। अब नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है, अब सेकेंड फिजिक्स में हम चर्चा करेंगे नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, ये सब तमाम प्रकार की वहां चीजें बताएंगे, तो हम आपको याद कराएंगे कि भैया गामा किरणों का उपयोग हम नाभिकीय अभिक्रिया को उत्पन्न कराने में करते हैं। अब कैसे नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न होता है, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जब कोई गामा किरण, जो गामा किरण होता है वो खूब तेजी से गति करता हुआ, खूब तेजी से चलता हुआ किसी परमाणु से टकरा जाता है, जैसे ही किसी परमाणु से टकराएगा तो वो परमाणु विखंडित हो जाएगा, वो परमाणु विखंडित हो जाएगा, विखंडित होने के बाद परमाणु से 3 गामा किरणें निकल जाएंगी, अब वो 3 गामा किरणें 3 परमाणुओं को विखंडित करेंगे, उनसे फिर 9 निकल जाएंगे, ऐसे लगातार अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती थी, ठीक। अगला कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, ट्यूमर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है, गामा किरणों का उपयोग करते हैं। फिर परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में भी गामा किरणों का उपयोग करते हैं। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, गामा किरणों की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति होती है 3×10^8 हर्ट्ज से 5×10^22 हर्ट्ज के मध्य होता है। फिर उसके बाद इनका उपयोग कहां करते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न कराने में, दूसरा उपयोग कहां करते हैं, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में करते हैं, तीसरा परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में करते हैं।
तो इन्हीं सब के साथ आज की जो लेक्चर है समाप्त होती है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।